तुमने पूरा साल यहूदियों का एजेंट कहा, उसने मुसलमानों को रुला दिया है, ऐसी तकरीरें की है। इन सारे मुसलमानों को मिलकर इमरान खान का इस्तकबाल करना चाहिए। आज तारीख में मैंने देखा है कोई मुस्लिम लीडर इस तरीके से उम्मत का मुकदमा नहीं लड़ सका जिस तरीके से आपके लीडर ने लड़ा है। और मैं कहता हूँ ये उम्मत के लिए अतिया है। हम सऊदीया को देखते रहे, ईरान को देखते रहे, तुर्की को देखते रहे, शाम को देखते रहे, हमने दुनिया की तरफ देखा, कोई उम्मत की आवाज उठाए। आपके लीडर ने दुनिया को अपना गर्विता इसलिए किया है कि आपका मुकदमा कैसे लड़ा है आप भी देख रहे हैं। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, इस शख्स के लिए दुआ करें, क्योंकि मुझे तारीख पता है कि जनरल जिया ने जब उनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, जनरल जिया का उन्होंने क्या हाशिर किया। इमरान खान पर भी वो हमला करेंगे, क्योंकि उनके घर में बैठकर उनको कहता है कि हिंदुओं ने खुद कुछ हमले सबसे पहले शुरू किए, तुमने हिंदुओं को दहशतगर्द क्यों नहीं कहा, तुम मुसलमानों को दहशतगर्द क्यों कहते हो, बड़ी बात है। और तुम्हारे सबका लीडर तो ऐसे बैठते थे कि पाकड़ में पर्चियां गुम हो जाती थी तो उल्टा बोलते थे, और ये आदमी बोल तो रहा है, तुम्हारा मुकदमा तो लड़ रहा है, मोहम्मद की शरीयत का मुकदमा ऐसे किसी मुसलमान लीडर ने, किसी मौलवी ने नहीं लड़ा जिस तरीके से इसने दलाल दिए हैं कि हम एक इस्लाम मानते हैं। कहते रहे लोग कादियानियों का एजेंट है, अरे बेशर्मो तुमने इस्लाम को बदनाम किया है। उसने कहा इस्लाम एक है, हम उसको मानते हैं, और वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है।